फ्रेंड्स, आज हम ड्राई फ्रूट बर्फी बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट बर्फी। ड्राई फ्रूट बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप खजूर लिए हैं, साथ में आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 1/4 कप रोस्टेड पीनट, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून घी लिया है। सबसे पहले हम खजूर में से बी निकालेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और साथ में बादाम, काजू और पिस्ता छोटे टुकड़ों में काटेंगे और पीनट को मिक्सर में दरदरा पीस के लेंगे। हमने यहाँ पे खजूर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, साथ में काजू, बादाम, पिस्ता मैजिक स्लाइसर में कट करके लिए है और मूंगफली को हमने मिक्सर में पीस के लिया है। हमने ड्राई फ्रूट्स ये मैजिक स्लाइसर में कट करके लिए है। आप इस ड्राई फ्रूट को छुरी से भी काट सकते हो। ड्राई फ्रूट्स बर्फी बनाने के लिए हमने पैन गरम करके लिया है। गरम पैन में हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। पहले हम बादाम डालेंगे, साथ में काजू डालेंगे और साथ में पिस्ता डालेंगे। सारी चीजों को हम रोस्ट करके लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। थोड़ा क्रिस्पीपन आना चाहिए इसमें। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे रोस्ट करके लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। वही पैन में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसमें हम खजूर डालेंगे। खजूर को भी हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे सौते करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, खजूर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे और साथ में पीसी हुई मूंगफली डालेंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सारी चीज भी धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट तक ही मिक्स करना है, फिर गैस की फ्लेम हमें बंद करनी है। ड्राई फ्रूट्स और खजूर हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इसे हम प्लेट में निकालेंगे और प्लेट में 2 से 3 मिनट की हमें ठंडा होने देना है, ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है। इसके हम गरम गरम बर्फी बनाएंगे और थोड़े थोड़े लड्डू भी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पूरण लेके हम इसके थोड़े लड्डू बनाएंगे और बाकी के पूरण के हम बर्फी बनाएंगे। लड्डू हमारा बनके तैयार है, इसे हम प्लेट में रखेंगे। आधे पूरण के हमने इस तरह लड्डू बनाए हैं और आधे पूरण के हमने इस तरह पूरण हाथ में लेके उसको लंबा शेप देके इसे हम सिल्वर फॉइल में कवर कर देंगे। बर्फी बनाने के लिए हमने इस तरह पूरण को ओवल शेप दिया है। अब हम इसे सिल्वर फॉइल में रखेंगे। सिल्वर फॉइल में रख के चारों ओर से इसे टाइट कवर कर देंगे और इसे फ्रीजर में आधा घंटा सेट होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, बर्फी को हमने फ्रीज में से बाहर निकाला है। इसे हम स्लाइस में कट करेंगे। ये बर्फी में हमने बिल्कुल शक्कर नहीं डाली है। खजूर मीठा रहता है इसलिए इसमें शक्कर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम उपवास में भी खा सकते हैं। एक ही पूरण में से हमने लड्डू भी बनाए हैं और बर्फी भी बनाई है। तो चलिए हमारे लड्डू और बर्फी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।